हाय एवरीवन वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को शुभ प्रभात मेरी ओर से आज की इस क्लास में हम यहां पर साइंस का मॉडल पेपर का सेट तीसरा देखेंगे ध्यान से देखिएगा आज की यह क्लास सभी क्लासों से हट के थोड़ा सा रहेगी मैं आपको आज की इस साइंस की वीडियो में यूनिक तरीके से बताने की कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें याद रहें आप अच्छे से कर ले जाएँ ठीक है इसीलिए एग्जाम्पल कहा जाता है कि जो चीज़ें आप देख के करते हैं या जो चीज़ें आप रियल में देखते हैं वो आपको ज़्यादा आती है तो मैंने कुछ उसी फॉर्मले पे आज कुछ चीज़ें सेट की हुई आप शालनी रियल का साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगता है समझ में आता है हेल्प होती है किसी भी तरीके से तभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए जरूर करते हुए जाइएगा तो चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं देखते हैं आज की यह क्लास मैंने कैसे तरीके से फॉर्म की है हम यहाँ पर बेसिक साइंस देखेंगे आज की इस क्लास में सिर्फ पूरा बायो रहेगा जो आपका बायो का मेन मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूछे आए हैं हमेशा से और पूछे जाने की चांसेस वही सेट मैंने आज बायो का पूरा लिया इस पूरी वीडियो में आज सिर्फ बायो की क्लास रहेगी हम इसी तरह नेक्स्ट दूसरी लेंगे देखिए सबसे पहले आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में अगर कुछ है भी सिलेबस में तो वो है सजीव और निजी वोट यू मीन बाई लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफरेंस क्या है आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है ठीक है आपको ये चीज़ पता है आप लिविंग है नॉन लिविंग आप एक लाइन दो लाइन तीन लाइन लिखेंगे ठीक है आपसे अति लघुत्री में पूछेगा तो मैक्सिमम तीन लाइन अगर लघुतरी में पूछता तो पांच लाइन छह लाइन ऐसा लिख सकते हैं छह इधर छह इधर बराबर करके ठीक है अब चलिए एक बात और कहना चाहो कभी अगर आपको अंतर पूछेगा तो हमेशा अंतर पार्टिसिपेशन करके लिखेगा ये बात जान लीजिए अगर आप पार्टिसिपेशन करके लिखे तो समझ में आ जाता है कि ये डिफरेंस लिखा गया है बोथ के बीच में देखिए लिविंग आप जान रहे हैं मैं लिविंग हूँ आप लिविंग है पौधे हमारे लिविंग है और ये जितने भी जानवर हैं पक्षी सब लिविंग है ठीक है नॉन लिविंग में ये अम्ब्रेला है ये कैप है ये गाड़ी है सब कुछ नॉन लिविंग है जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग होती है जो बाई गॉड गिफ्टेड हैं वो जो प्रकृति से मिलती है वो लिविंग होती है आप एक साधारण भाषा में यह बात जानते हैं ठीक है थीके? अब देखिए कुछ डिफरेंस है आज थोड़ा सा यूनिक मैंने इसलिए लिया हुआ है कि कुछ चीज़ें समझाने और करने में अच्छी होती हैं ठीक है थीके? मेरी पढ़ाई इंग्लिश बैकग्राउंड से रही है इसलिए मुझे चाहिए इंग्लिश में समझाने में करने में ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आज इंग्लिश में भी ले ली है बहुत कम ली है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फिलहाल के लिए अब ऐसे इतनी तो आप सबको भी आती होगी ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ है देखिए आपसे पूछता है कि आप लिविंग और नॉन लिविंग सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए या आप क्या समझते हैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता है साइंस में ये एकदम पहला चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट देखिए लिविंग नॉन लिविंग ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज नीड फूड एयर एंड वाटर लिविंग ऑर्गेनिज जो होते हैं उन्हें आवश्यकता होती है भोजन की उन्हें आवश्यकता होती है हवा की उन्हें आवश्यकता होती है पानी की करेक्ट कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट देखिए नॉन लिविंग थिंग्स टू नॉट नीड फूड एयर एंड वाटर तो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हवा नहीं चाहिए उनको पानी नहीं चाहिए उनको भोजन नहीं चाहिए एक सिंपल सी चीज़ ठीक है नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो जो लिविंग होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं वो बढ़ते हैं बढ़ोतरी करते हैं ठीक है उनमें विकास होता है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं ठीक है दो हो गया तीसरा देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव ऑन देअर ओन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव ऑन देअर ओन वो खुद से चल सकते हैं आप चल सकते हैं गाय चल सकती है जानवर चल सकते हैं बच्ची भी चल सकते हैं क्यों आई एम रॉन्ग क्या मैं गलत हूँ नहीं लिविंग ऑर्गेनिज चल सकते हैं नेक्स्ट देखिए नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन दिए ओन वो खुद से नहीं चल सकते एक मेज रखी है कुर्सी रखी है वो खुद से नहीं चलेगी आप उसको धक्का देंगे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर खुद रखेंगे ठीक है फोर्थ देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव दे रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम लिविंग ऑर्गेनिस्ट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होते हैं ठीक है वो अपने चारों तरफ जो चीज़ें रहती हैं उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं और उनके अकॉर्डिंग लोग भी चेंज होते हैं ठीक है यही चीज़ नॉन लिविंग के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव वो संवेदनशील नहीं होती हैं वो संवेदनशील का गुण उनके अंदर नहीं पाया जाता है दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड डैम क्लियर है फिफ्थ देखिए लिविंग ऑर्गेनज रिप्रोड्यूस दमसे लिविंग ऑर्गेनिज जो होते हैं वो खुद प्रजनन करते हैं ह्यूमन बींग्स भी करते हैं जानवर भी करते हैं जैसे एनिमल्स हैं और पक्षी भी करते हैं ठीक है ये तीनों अपना खुद से जनरेशन करते हैं खुद से अपनी यंग वंस को के वर्थ देते हैं अपनी जनरेशन को जनरेशन आगे बढ़ाते हैं नॉन लिविंग के केस में नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स प्रजननन नहीं करते हैं ठीक है उनमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है सिक्स लिविंग ऑर्गेनिज रिस्पायर दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पायर वो मतलब सांस लेते हैं ठीक है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं फ्रॉम फूड खाना खाते हैं तो उनको एनर्जी भी मिलती है नॉन लिविंग के केस में नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट रिस्पायर नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं उनको रिस्पायरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है श्वसन की क्रिया वो नहीं करते हैं मनुष्य ह्यूमन बींग जितने होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एस्पाइरेशन श्वसन क्रिया करते हैं ठीक है छः पॉइंट हमने देख लिया आपको जो अच्छा लगे तीन से चार मैक्सिमम आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ठीक है और देखिए सेवेंथ देखिए लिविंग ऑर्गेनिज एक्स्क्रीट दे गेट रिड ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी वो एक्सक्रीशन करते हैं आप फ्रेश होते हैं यही चीज़ है स्क्रीट एक्सक्रीशन का प्रोसेस ठीक है उत्सर्जन की क्रिया नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे है एट लिविंग ऑर्गेनिज हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पेन आफ्टर विच दे डाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल है लिविंग ऑर्गेनिज्म पक्षी हो जानवर हो या आप और मैं हूं हम सबकी एक लाइफ साइकिल है एक टाइम इंटरवल है हम उतने तक ही जिएंगे ऐसे पेड़ पौधे की भी लाइफ साइकिल होती है ऐसे जानवरों की भी लाइफ साइकिल होती है क्लियर है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की कोई डेफिनेट लाइफ साइकिल नहीं होती कोई चीजें फिक्स नहीं है उनकी कि वो कब तक रहे वो रस्ट हो सकते हैं, रस्ट होकर डिस्ट्रॉय हो सकते बट कहिए कि वो इतने साल के हो जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी उनका एक्सीडेंट हो जाएगा समथिंग कुछ भी नॉट हैपनिंग नेक्स्ट देखिए नाइन्थ लास्ट है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं आपकी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में करेक्ट मैं सही हूँ कि नहीं सही हूँ नेक्स्ट देखिए नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड मेडअ सेल्स नॉन लिविंग थिंग्स सेल्स के नहीं बने होते हैं क्लियर है मैंने आपको अच्छे तरीके से एकदम साधारण वे में एकदम आराम से बता दिया कि आपको कैसे कैसे चीजों को लिखना है आपसे आएगा प्रश्न कई बार आया है कोई भी गलती नहीं करेगा अच्छा लगा ये प्रश्न आप देखिए नेक्स्ट अनुकूलन क्या है काफी ज्यादा चर्चित एक टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है बायो के सेक्शन में अनुकूलन वॉट इज अडाप्टेशन यू मीन बाय अडाप्टन आप समझते क्या है अडाप्टेशन से अनुकूलन मैंने आपको अभी जो सेट टू करवाया था उसमें भी ये बात क्लियरिफाई की थी लेकिन आज मैं बायो का सेक्शन करवा रही हूँ जिस वजह से मैंने यह पी पूरा लिया हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस विच एनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइबल एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसा प्रोसेस जो इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट टू एडजस्ट एडजस्ट करना सामंजस्य बैठाना समायोजन करना टू दी एन्वायरमेंट अपने पर्यावरण से इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल अपनी लाइफ साइकिल को जलाने के लिए अपनी जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए वहाँ पे जीने के लिए वहाँ के इन्वायरमेंट हवा पानी सबको ले कर उनके साथ सर्वाइव करने के लिए यही चीज़ें हैं अनुकूलन यही चीज़ें हैं अडाप्टेशन क्लियर है अब सबका अलग अलग होता है सारे लोगों का जानवरों का भी पक्षियों का भी पेड़ पौधों का भी अलग अलग है ठीक है देखिए कुछ पौधे पानी में रहते हैं दिख रहा है आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कुछ पौधे पानी में डिप रहते हैं ठीक है उनको मड की जरूरत नहीं होती कुछ पौधों को देखिए मड और पानी दोनों की जरूरत है कीचड़ टाइप के कीचड़ में मिट्टी भी रहती है ये वाला भी आप प्लांट देखिए दिख रहा है पानी भी है मिट्टी भी ये प्योर पानी में है तो इन सब की भी अलग अलग इनका अडाप्टेशन है ना ये अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी बेस देती है लेकिन पानी में तो कोई मिट्टी नहीं तो बेस कैसे हुआ वो तो फ्लोट कर जाएंगे ना लेकिन वो अपने आप को उसी तरीके से वो इतना फैलते जाते हैं इतना खड़े रहते हैं अपना काम करते हैं मतलब उनका अपना इन्वायरमेंट होता है वो उसमें अडाप्ट कर लेते हैं क्लियर है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए प्लांट का अडाप्टेशन देखिए ये डेजर्ट एरिया के प्लांट्स देखिए कैक्टस वगैरह वगैरह बहुत नाम तो नहीं याद है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं नागफ़नी कहते शायद कैक्टस को क्या ये बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्या है एकदम रेतीली है कंकड़ पत्थर है लेकिन ठीक है वहाँ का अडाप्टेशन है वो वहाँ पे वहाँ की गर्मी के हिसाब से कहा जाता है कि वहाँ पे तो कोई पेड़ ही नहीं होता जल्दी पानी नहीं मिलती रात दिन में इतना गर्म होता, होता है रात में बहुत ठंडा होता है क्यों यही बात होती है राजस्थान रेगिस्तान के लिए लेकिन ये पेड़ वहीं पर पे सर्वाइव करते हैं तो ये क्या हुआ ये अपने आप को उतनी गर्मी उतनी ठंडी के हिसाब से ढाल लिए ना अपनी जनरेशन वहीं चला रहे ट्रैक्टर्स के जितने प्लांट होते हैं सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं जबकि पानी नहीं होता है लेकिन एक बात बहुत अच्छी है इनके अंदर जो चीज़ें होती हैं इनकी जो मन, अंदर का जो इनका मसल्स होता है जो इनके अंदर का जली होता है इनके अंदर ना प्रोटोप्लास में एक जल जेल वाला स्ट्रक्चर भरा रहता है एकदम मांसाल टाइप गूदा टाइप के होते हैं जैसे एलोवेरा का प्लांट आप देखिए एलोवेरा के लीप लीजिए उसको काटिए तो गूदा जैसे भरा रहता है ना उसके अंदर लिक्विड जेल टाइप का वैसे इन लोग होते हैं बाहर से एकदम सख्त कड़े कांटेदार होते हैं लेकिन अंदर से ना ये बहुत ही सॉफ्ट मांसार टाइप के होते हैं ये अपने आप को अपना पानी वगैरह जितना इनको चाहिए रहता है ये पूरा मेंटेन किए रहते हैं ये मरोद भिद्ध प्लांट कुछ कहलाते हैं ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में कुछ हिंदी में ऐसा दिया हुआ है ठीक है अब ये जो है पहाड़ वहाड़ के एरिया में प्लांट है देख लीजिए वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ठंडी में फूल नहीं खिलता है यही कहा जाता है ना कि आप आपने टेरिस प्लांट लगाइए ठंडी में फूल नहीं खिलता है क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिलती है तो फूल नहीं खिलता लेकिन वहाँ पर कैसे खिल रहा है सारी चीज़ें हैं ना ट्यूलिप गार्डन जो उत्तराखंड में है वो कैसे होता है वो ठंडी के आसपास समथिंग एरिया में खिलता है इस बात को आपको ध्यान रखना वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मेनटेन कर लेते हैं यही मेरा आपको समझाना है ठीक है रेन फॉरेस्ट टाइप के एरिया जो होते हैं उन सब के लिए अलग अलग है ठीक है अब देखिए ये डेजर्ट एरिया में और सारे भी प्लांट्स हैं ये देखिए जो वाटर में एकदम डिप रहते हैं पौन्ट्स में लेक्स में छोटे छोटे ढीलों में रहते हैं वो सब कोई दिक्कत नहीं है ये देखिए एकदम जहाँ पे स्नोफॉल होती है जैसे जम्मू कश्मीर हो गया इतने में स्नोफॉल होती है और वहाँ पे अशोक का पेड़ ज़्यादा पाया जाता है पाइन का पेड़ पाया जाता है डेट का जो खजूर कहते हैं उसका ताड़ का पेड़ पाया जाता है लेकिन क्या है अक्सर उस पर बर्फ गिरी रहती है लेकिन वो वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं ना क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं आगे चले क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये भी टॉपिक काफ़ी बढ़िया था दो टॉपिक हो गया एक लिविंग विंग एक नॉन लिविंग विंग के बारे में पूरा और एक आपका एडाप्टेशन यानी कि अनुकूल अब आपको जानवरों के बारे में भी आएगा अस्थली और जो ज, 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 जल जल वाले रहते हैं उनके बेस पे, तो वो आप अपने तरीके से बना कर लिख लेंगे कुछ जल पे रह लेते हैं कुछ प्लांट जो है बाहर रह लेते लैंड पे रह लेते कुछ जानवर है जो जल में रह लेते कुछ बाहर रह लेते तो सिर्फ आपको जो अगर किसी चीज़ के स्पेशल से पूछे कुछ चीज़ स्पेशल से पूछ रहा है स्थली के बारे में तो सिर्फ आप अपनी पूरी बात मैटर वही रहेगा सिर्फ ये इतना है कि वो वहाँ सर्वाइव कर लेते वो वहाँ सर्वाइव कर लेते इतना सा एक फ़र्क है ठीक है क्लियर है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है अब जंतुओं में अनुकूलन थर्ड है जरा देख लीजिए मैंने जंतुओं में भी ले लिया है अब जानवरों में अनुकूलन कैसे है यहाँ पर ढेर सारा मैंने लिया कुछ जानवर जो नदी के एरिया में रहते हैं जैसे पोलर बियर ठीक है, है और भालू जो होते हैं वो और पेनग्विन बर्ड देखा ना तो चलती हैं खड़ी खड़ी उड़ती हल्का फुल्का हाइट पे है लेकिन चलती रहती है वो सब होते हैं तो ये सब क्या है ये वहाँ का अनुकूलन सैल पशु पक्षी में हो गए जैसे एक माइग्रेंट बर्ड के बारे में आपने तो सुना होगा ना कि वो मतलब वहाँ का एडाप्टेशन नहीं सह पाती हैं तो उड़ के जो है दूसरे देशों में आती हैं तो वो लोग देखिए एडजस्ट नहीं कर पाती इसलिए दूसरी जगह पे आती है जैसे इन्वायरमेंट वो रहती हैं वही वो इन्वायरमेंट हेरती हैं इसलिए वो वहाँ आती खासकर ठंडियों के महीने में ये आती हैं और फिर जो लोग जंगल वंगल में रहते हैं उनको वही ठंडी हवा और पेड़ पौधे चारों तरफ मिलने वो सब इन्वायरमेंट अच्छा लगता है वो वहाँ सर्वाइव करने लगते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नदी के आसपास पाए जाते ठंडे और ठंडी जगह पर रहते हैं अलग अलग तरीके से कुछ पहाड़ों के आसपास रहते हैं तो सब जगह से सारे जनकूलन जान जानवर हों या पक्षी हों वो अपने हिसाब से जहाँ पे रहते हैं खुद को ढाल लेते हैं वहीं सर्वाइव कर लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं कुछ समय प्रॉब्लम होती है फिर उनका काम हो जाता है क्लियर है एडाप्टेशन का टॉपिक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं देगा अगर पौधे के बारे में पूछता है तो जानवरों के बारे में पूछता है तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ये टी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा ठीक है नेक्स्ट देखिए जड़ों के प्रकार एक ये भी टॉपिक आपके कैम दिया है काफ़ी अच्छा है ध्यान से देखिएगा जड़े यानी कि रूट आप सभी जानते हैं जड़ों के प्रकार दो बेसिक हैं एक मूसला जड़े होती है एक अपस्थानिक जड़े होती है एक टैप रूट होती है एक फाइबरस रूट होती है करेक्ट अब देखिए अब यहाँ पे जो जड़ों के प्रकार में मूसला जड़े देखिए ये दिख रहा है आपको ये देखिए ये गाजर कैरेट ये आपका वो है चुकंदर ठीक है और ये आपकी और जड़ें देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है ये एकदम पतली सी है ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेलरिंग वगैरह नहीं है सब रूट्स नहीं है इसमें देखिए गुच्छे में भरी हुई है दोनों में ये डिफरेंस है अब गाजर अच्छा एक बात और गाजर और सलजम ये सब जो है जो रूट्स खाई जाती है ध्यान रखिएगा ठीक है इस मत बोल दीजिएगा आगे चले दोनों जड़ों का आपको डायग्राम देख लीजिएगा मैंने बोला है साइंस में डायग्राम आता है और आएगा भी कोई ना कोई तो एक जरूर आएगा तो देखते हुए चलिए नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे एक टॉपिक है द्वितीयक प्राथमिक तृतीयक जड़ें ये एक मूली का मूली होगा जो भी होगा मूली फिलहाल दिख रहा है देख लीजिए या आप ही मान लीजिए तो ये क्या है ये जो छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं सब रूट यही प्राइमरी जड़ है यही सेकेंडरी जड़ है टर्शीरी जड़ है तीन त्रीर्घिक जड़ है ये अलग अलग जड़ें जो निकली हुई हैं यही जड़ों को कहते हैं आपसे तीन चार प्रश्न यही पूछेगा तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं ना कि आपसे अगर द्वितीय जड़ पूछ रहा है द्वितीय जड़ क्या होती है तो आप बता ले जाएंगे ना मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बता पाएगा ठीक है क्लियर है अब जड़ों के बारे में आपसे पूछता है कि जड़ का कार्य क्या है एक टॉपिक आपसे ये पूछता है तो आप यही बोलेंगे ना ये पौधों को सहारा देने का काम करते हैं ये जमीन से बेस को मजबूत किए रहते आधार बनाए रहते हैं ये पूरे पेड़ को नीचे से जो मिनरल्स होते हैं जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्व करके ऊपर तक पहुँचाते हैं ठीक है ये सारा काम आप जान रहे जालम फूलों में अपना काम करते हैं खाना पानी पहुँचाते ही रहते हैं तो यही सारा काम जड़ों का ये जो है एकदम फैलते जाते हैं ये नीचे की तरफ गोद करते हैं पेड़ ऊपर की तरफ गोद कर जितनी जड़ फैलती जाएगी पेड़ उतना ऊपर बढ़ाता ये सब चीज़ें आप अपने तरीके से बढ़िया लिख सकते हैं क्लियर है मैंने टॉपिक था इसलिए लिया था ये चीज़ नेक्स्ट देखिए अब ये एक सरसों का प्लांट है आप सभी जानते हैं अक्सर हो सकता है पूछ ले ये पुष्प है ये उसका फल है ये उसका तना है ये उसकी पत्ती है और ये यहाँ पे फिर और ये देखिए नोड है ये इंटर नोड है ये कलिका यहाँ पे निकली हुई है इसकी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो ये जितना सिस्टम ऊपर का था ये प्रारो तंत्र के अंतर्गत आता है ये दिख रहा है आपको प्रारो तंत्र सूट सिस्टम इंग्लिश में सूट सिस्टम बोलते हैं रूट सिस्टम और सूट सिस्टम दो चीज़ें होती हैं एक प्लांट में डिवाइडेड पार्ट में ठीक है अब नीचे देख लीजिए प्राथमिक मूल है द्वितीय मूल वही जो जो जड़ें बताई गई थी सेकेंडरी जड़ और प्राइमरी जड़ वही चीज है और ये सिस्टम जितना है ये मूल ये मूल तंत्र में आएगा यानी कि रूट सिस्टम रूट सिस्टम रूट सिस्टम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अब फिफ्थ टॉपिक काफ़ी अच्छा है ध्यान से देखिएगा पौधों के प्रजनन अंग पौधों के प्रजनन अंग जो रिप्रोडक्शन पार्ट है जो रिप्रोडक्शन अंग है ऑर्गन है फ्लावर का पौधों का वो आप जानेंगे अब आपका ये बात आपको पता है कि पौधों में जो जब प्रजनन अंग है वो फूल के थ्रू ही होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहीं पे है ठीक है वो होगा तब जाके फल वगैरह बनेगा ये बात क्लियर है देखिए ये एक फूल है ठीक यहाँ पे मादा जननांग की बात है यहाँ पे नर ये फीमेल है ये मेल है फीमेल को हम जायांग कहते हैं और इसको पामुंग कहते हैं ठीक है ये ऐसा पूरा अंडव के अंतर्गत आता है ये स्त्री केसर में पूरा डिवाइडेड है देखिए ये पूरा फ्लावर है अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं, सबसे बेस्ट एग्जांपल हैबिस्कस है, है गुड़हल वही चीज़ वही एक फूल है क्या ऐसा फूल है जो इस चीज़ को हूबहू मैच करता है ठीक अब देखिए ये है वर्तिका अगर डैट मीन स्टिग्मा ये यहाँ पे दिख रहा है ये इसका ये सेक्शन जो है ये है स्टाइल जो घुमाओं में ऐठन के आया हुआ है ये है वर्तिका फिर ये जो ओवरी वाला हिस्सा है इसको अंडास है बोलते ये सब फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके फ्लावर के आपसे पूछ लेगा कि मादा वाले जो है सेक्शन के हिस्से हैं उनका आप नाम बताइए तो आपको तीन चार नाम लिखने होंगे ना आपकी सीरीज़ में शायद दिया है और किसी ईयर में आया मुझे ये एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन दिया हुआ है अभी यहाँ पर बताया तब मुझे क्लिक कर गया कि हाँ मैंने कहीं तो पढ़ा है दिख रहा है ये फ़ीमेल के हिस्से की बात हो गई अब आप मेल की देखिए तो यहाँ पे एंथर है ये सेक्शन एंथर में है जिसको हम पराकोस कहते हैं ये इनका जो घुमावदार है ये पतंतु है फिलामेंट कहते हैं और ये हिस्सा जो है ये पेटल्स कहलाता है जो रंग बिरंगे खूबसूरत से लाल गुलाबी नीले काले पीले जो भी होते हैं ये पेटल्स हैं जिसको हम दल कहते हैं ये हिस्सा स्टेमन कहलाता है ये हिस्सा जो फीमेल वाला होता है वो पिस्टल कहलाता है क्या कोई दिक्कत है आप देखिए जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में भी अगर ये फिगर को बनाकर लिख देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं और हिंदी में आता है तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इतना कोई नंबर वम्बर नहीं कटता है ठीक है क्लियर है अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये सेप्पल्स है जो ये ग्रीन पार्ट होता है फिर यहाँ पर ओव्यूल भी है इसी के अंदर ये अंडासा के अंदर पूरा सेक्शन आपको ये फ्लावर इसलिए क्लियर दिखा रही हूँ ध्यान रखिए हो सकता है कि यही पूछ ले हो सकता है कि चित्र इसी का आपको आ जाए ध्यान रखिएगा आपको चित्र नहीं भी आएगा तो आपको ये मादा और नर दोनों का नाम पूछ लेगा अलग अलग तीन आपको पूरा नाम बताना होगा या आपको ऑप्शन में दे देगा टिक मारिए तो आपको वैसे यहाँ पे मिल जाएगा इसीलिए ये मोटिव है मेरा इसके थ्रू समझा दूँ कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट देखिए अब पौधों में निसेचन अभी जो बात थी अंग की बात थी इसीलिए अंग बताएं अब हम आपको फर्टिलाइजेशन बताई वैसे ये टॉपिक पूछा नहीं जाता है लेकिन दिया है मैं बायो कंप्लीट करवा रही हूँ तो आपको ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ विद डायग्राम देखिए ये है पूरा फ्लावर का रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ उसके उतने ही सेक्शन को लिया गया है जो चीजें मेन होती हैं ये देखिए यहाँ पे स्टेमन है एंथर है है यहाँ पे देखिए स्टेमन है एंथर है फिलामेंट है तीनों चीजें ठीक है ये हिस्सा जो आपका आ रहा है ये पॉलिन ट्यूब है ठीक है यहाँ पे देखिए ये स्पम है यहाँ पे क्या हुआ ये चारों तरफ जो है इसके स्पम लगे हुए स्पम यहाँ पे एंट्री किया यहाँ से एंट्री करते हुए ये अंदर धीरे धीरे करके खिसक रहा है दिख रहा है नीचे आ ये यह यहाँ आ गया रेड रेड ये स्पम हो गया ये सेक्शन जितना है ये क्या है ओव्यूल है दिख रहा है ये नीला नीला इसके अंदर पहले से एग एग एक एग, -एग, -एग फॉर्म हुआ है ये इसके अंदर आप पिंक पिंक देखे ये एक एम्ब्रियो सैक है आप यहाँ पे फिगर देखते चलिए इसकी हिंदी का मुझे फिगर नहीं मिला वरना मैं आपको दिखा देती क्लियर चीज़ें और पूरे हिंदी के नाम मुझे भी नहीं आते हैं इसलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं दे पा रही हूँ फिलहाल आप डायग्राम देख लीजिए अगर आपकी बुक में दिया होगा तो आप वहाँ पे हु बहू नाम मैच करके लिख लीजिएगा ठीक है अब आप यहाँ पे देखिए ये स्टेमन यहाँ पे अंतर किया यहाँ पे अंदर आया यहाँ पे जाके इसका फ्यूज़न हुआ मिला अब यहाँ पे देखिए पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये फीमेल वाले पूरे हैं ये पॉल ग्रेन यहाँ पर एंट्री कर रहा है क्लियर है ये सारी चीज़ें उसी फ्लावर के सेक्शन में हो रही है यहाँ पर आपका ये सेप्टल्स और सेपल्स है जो बाहरी हिस्सा इनका कोई मतलब नहीं अब यहाँ का ये सेक्शन उठा के यहाँ पे रखा गया अब यहीं पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा यहीं पे क्या होगा निषेचन होगा अब ये जो एम्ब्रियो सैक था और जो एग था जो ये एम्ब्रियो सैक पूरा ये जो वाइट येलो येलो हल्का येलो दिख रहा है लाइट येलो कलर का दिख रहा है वो येलो सेक्शन पूरा एम्ब्रियो सैक है और नीला वाला एग है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ये दोनों मिलेंगे पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आप देखिए रेड रेड पॉलिन ग्रेन है और नीला नीला एग है ये दोनों मिलेंगे ये दोनों का मिलन हो गया दिख रहा है इन दोनों का जब मिलन हुआ और पॉलिन ग्रेन जो आया हुआ था वो मेल के पार्ट से आया हुआ था करेक्ट मेल और फीमेल दोनों लोग मिलते तब जनरेशन होता है आपको पता है ये बात अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है जायगोड बन गया इन दोनों का मिलन हो गया यहाँ पे जायगोड का फॉर्मेशन हो गया क्लियर अब नीचे आएंगे तो ये अब एक सीड का रूप ले लिया और ये इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया पहले जाइगोर्ड बनता है फिर इम्ब्रियो बनता है ध्यान रखिएगा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया इम्ब्रियो से और कहानी आगे बढ़ी तो ये फूटा होता है जब आप कोई बीज लगाइए तो देखिए यहाँ से कवरिंग फटी जड़ के तरफ में नीचे आया और सीड का जर्मिनेशन हो गया आपको चीज़ें क्लियर दिख रही है ये डायग्राम मैंने इसीलिए लिया हुआ है सीड का जर्मिनेशन हुआ और ये सीड आगे चल के पूरा एक प्रोसेस करके पूरा फूल बना आगे चल के पेड़ बना फिर पूरा और ये हिस्सा जो आपका ये उठाया हुआ था ये देखिए ये बीज का यही उठाया हुआ था दिख रहा है क्लियर है ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर उठाई गई थी दिख रहा है आपको क्लियर है तो ये हिस्सा जो यहाँ पे ये लिया गया ये इसी बीच के हिस्से को उठा के पूरा आपको बड़ा करके दिखाया गया था तो कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं अगर आता है ऐसे आता नहीं है ये टॉपिक अगर आएगा तो आप अपने तरीके से बना के लिखिएगा क्या की चीज़ें कैसी होती हैं और इसकी हिंदी आप अपनी बुक में देखिएगा तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको दिया गया होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अब पौधों में अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिपोडक्शन कैसे होता है प्लांट में ये मैंने आपको जो दिखाया था वो सेक्सुअल था लैंगिक था अब मैं अलैंगिक भी दिखा दे रही हूँ देखिए ये कैसे होता है मुकुलन यानी कि बडिंग मैंने आपको सेट टू में ये बात बताई थी कि बडिंग क्या है ये यहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू भी होता है जिसको बीजाड़ू कहते हैं फिर यहाँ पे ये खंडन होगा खंडन हो गया प्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन के कारण ये भी चीज़ें यहाँ पे देखती हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक फिज़न भी है विखंडन के थ्रू और वेजिटेट प्रोडक्शन ये तीन दो पाँच पांच प्रकार के टोटल यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं आपसे पूछा जाएगा गलती मत करिएगा देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये लीफ है एग्जांपल है बेरोफिल्म की लीफ है जिसके कहते हैं अजूबा की पत्ती अजूबा की पत्ती आप हल्की सी दबा दो मिट्टी में मिट्टी उसके सरफेसर टच होती रहे तो ढेर सारे वहाँ पे छोटे छोटे अजूबा साइड साइड निकल जाते हैं ठीक है तो उससे पेड़ का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे आप देखिए ये ओनियन है प्याज प्याज भी रख अपने घर में रख दो आप तो देखो उसमें जड़ फेंक देता है फिर उसके बाद से जो अगर आप जाके वही लगा दो तो पेड़ निकल जाता है इसी तरह यहाँ पे आपको ये गाजर दिया हुआ है बीट रूट दिया हुआ है एकदम सेम प्रोसेस इनमें भी होता है क्योंकि इनके सेकेंडरी रूट्स निकलती रहती है वहाँ से इन्हें आप परफॉर्म कर लेते हैं इसी तरह आपको ये बर्ड का दिए रोज़ का देखिए रेनी सीजन आता है उस समय जो है लोग गुड़हल की और तगाड़ कह सकते हैं और गुलाब भी कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कटिंग के थ्रू लगाए जाते हैं उनको कट करिए ऊपर नीचे साइड साइड और ले जा गमले में कर दीजिए बहुत तरीके से तो वो जो है नया पौधा जनरेट कर लेते हैं तो वो क्या है वेजिटेटिव प्रोडक्शन है क्लियर है कोई दिक्कत काय की प्रवर्धन कहते हैं नेक्स्ट देखिए है। अब ये जो आपका स्पोर्ट्स वाला था वो है यहाँ पे कवक जाल वगैरह बनी हुई है ये वीजाड़ धान है ये फूट जाती है फूट जाने के बाद ये वीजाणुड़ती है ये छिट जाते हैं छिट मतलब हवा से पानी से पानी में बह जाएंगे तो नया हो जाएगा जमीन में बह जाएंगे हवा के थ्रू तो ये नया जर्मिनेशन ले लेंगे एक तरीका तो ये होता है और देखिए क्या है ये बाइनरी फिशन देख लीजिए अमीबा में होता है पहले पूरा एक पूरा कंप्लीट अमीबा उसके बाद ये थोड़ा इस शेप में बनना ये दो यहाँ पे दो सेक्शन में बढ़ गया एक डॉटर हो गई दो डॉटर इनकी दो सेल बन गई एक से दो का फॉर्मेशन हो गया दो जनरेशन आगे चल गई ऐसे ये अमीबा में होता है विखंडन है ये कोई दिक्कत विखंडन के लिए अमीवा का एग्जाम्पल हमेशा लीजिएगा मुकोलन के लिए बडिंग का लीजिएगा और बिजाणु स्पोर्ट्स के लिए जो है वो स्प्रॉन्जिया कहते हैं उसको लीजिएगा गलती मत करिएगा फिक्स एग्जाम्पल है हमेशा से वैसे ये सारी चीज़ें सिक्स सेवन्थ एट में पढ़ाई गई हैं ठीक है प्राइवेट स्कूल की बुक्स में है वैसे यूपी बोर्ड की किताबों में भी रहता है फिलहाल देखिए ये देखिए खंडन का जो हिस्सा था ये हाइड्रा में होता है ये हाइड्रा का डायग्राम है क्या हुआ पूरा एक सेक्शन था हाइड्रा का हल्का सा यहाँ पे आपको एक जनरेशन का इसका एक बेबी कह सकते हैं आप एक प्रकार से फिर थोड़ा और बड़ा हुआ थोड़ा और बड़ा हुआ बाद में क्या हुआ जब इसका जनरेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो ये अपने जनन से अपने जनक से अलग हो गया इसके जो पेरेंट्स ने जहाँ से जन्म लिया था वहाँ से ये अलग होकर नया कर लिया अब इससे भी यही चीज़ होगा तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहेगा ये सब इस एक्सुअल रिपोर्डक्शन है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उम्मीद है कि मैं आपको सही समझा ले जा रही हूँ चित्र खेदूँ अगर चित्र आता है तो आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए समय बहुत कम है आराम से कर ले जाएंगे इतना भी कोई टफ पेपर नहीं आता है ठीक है अब देखिए पशुओं की उपयोगिता क्या है जानवर की क्या इंपॉर्टेंस है कृषि कार्य के लिए एग्रीकल्चर में इनका हम बहुत यूज़ करते हैं सपोज करिए ये देखिए बढ़िया धान वान लग रहा है लग रहा है क्यों जुताई उताई पूरा हो रही है जो भी हो रहा हो आप पहले तो ये होता था अब तो बहरहाल सब गाड़े उसे ट्रैक्टर से करवा लेते हैं लेकिन कृषि के लिए जैसे आप जैविक खाद कहाँ से पाएंगे गोबर तो जानवर ही करेंगे गाय भैंस ही तो करेगा क्यों और करेगा तो उनसे मिलेगा तो उनका आप इस्तेमाल करेंगे दूध उध पीने में करते हैं खाद के लिए देखिए गाँव माता हमारी खाद दी हुई ताजी ताजी एकदम फ्रेश तो ये खाद मिलती है उनसे और दूध भी बढ़िया मिलता है मस्त चाय बनती है करेक्ट आगे चलते हैं कुछ चीज़ों को एन्जॉय करते हुए पढ़ा करिए ना तो चीज़ें याद रहती हैं नेक्स्ट देखिए पत्तियों के प्रकार आपको बताने लीफ दो प्रकार की होती है एक संयुक्त होती है और एक सरल होती है एक सिंपल लीफ होती है एक कंपाउंड लीफ होती है अब ये भी देख लेते हैं क्या है ये देखिए अच्छा सॉरी ये यहाँ पे इसका युक्त कोई बात नहीं मैं आपको फिलहाल ये ये है सरल लीफ देख लीजिए ये एकदम सिंपल लीफ है यहाँ पे ये इसका सिरा है यानी कि वेन्स है ये पर्ण फलक है ये मध्य सिरा इसकी मिड ब्रेन है यहाँ पर पर्णवृंत है जो पेटियोल कहलाते हैं ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी है डायग्राम थोड़ा ध्यान रखेगा एक सिंगल प्रकार की जैसे गुड़हल की पत्ती होती है उस टाइप की पत्तियाँ हैं ये सिंपल लीफ है और जो कंपाउंड लीफ है वो ये देख लीजिए अलग अलग इसका कुछ अलग शेप है ये वाली या कुछ अलग है इसका अलग ये वाली कुछ ऐसे कटी कटी सी है ये अलग है ये सबसे अलग है ये भी बहुत अलग है तो ये सब क्या है ढेर सारी कंपाउंड लीफ है आपको प्रकार पूछ लेगा चित्र नहीं आएगा ठीक है ध्यान मत रखिएगा बस आपको प्रकार पूछेगा प्रकार याद रखेगा क्योंकि प्रकार जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा अब यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था कि पौधों का क्या उपयोग है आगे पीछे हो गया होगा पौधों का उपयोग देखिए औषधि पौधों का उपयोग अपनी लाइफ में करते हैं अब एलोवेरा हमेशा चाहिए बहुत लोग जूस पीते हैं जिनको बहुत सारी डिजीज होती है बहुत लोग इसको जल का यूज़ करते हैं बालों वालों में भी लोग यूज़ करते हैं क्लियर आंवला आँखों के लिए मुरब्बा है अचार है चटनी है तमाम चीज़ें हैं इसका पाउडर लोग बना के अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है ना दवाओं में यूज़ हो रहा है एलोवेरा भी दवाओं में यूज़ हो रहा है ये आपका हमारे ख्याल से कोरिएंडर है धनिया है इनका भी इस्तेमाल है ठीक है ये चाय का पेड़ है लेमन ग्रास कहते हैं इसको फ़िलहाल ये आप ये चाय पीने में बहुत अच्छा रहता है इसका टेस्ट आता है आप चाय में डाल दीजिए तो लगता है कि हाँ हरी वाली चाय डाली गई है ये यहाँ पर कुछ और होगा तुलसी उलसी शायद होगी या जो भी होगा तुलसी ही है फिलहाल ये ठीक है तुलसी बेसल्स आप इनका पूजा भी करते हैं खाने में औषधि में चाय में तमाम जगह यूज होता है फिर ये लहसुन है गार्लिक है बहुत बढ़िया है पेट वेट ख़राब रहता है तो अक्सर लोग भून के भी खाते हैं तो इसके लिए है हाजमा के लिए ये यहाँ पे कोई और है नहीं पता है ये भी मुझे नहीं पता ये गेंदा है मेरीगोल्ड है इनका भी दवा ववाओं में और कहते हैं कि मेरीगोल्ड लगा है तो मच्छर वर नहीं है समथिंग ऐसा कुछ कहा जाता है और ये यहाँ पर कुछ और भी है ऐसे बहुत सारे आपको औषधि वाले प्लांट मिल जाएंगे नीम सबसे बढ़िया बेल भी है ठीक है ये सब जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं अब आपकी उपयोगिता पौधों की उपयोगिता से एक टॉपिक था तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं क्लियर है भाई फिर यहाँ पे अब हमें प्लांट क्या क्या देते हैं ये देख लीजिए रबर मिलता है तो टायर बनता है ओ इरेजर भी बनता है रबर बैंड प्लास्टिक सब कुछ बनता है पेपर बनता है पेड़ से बनता है शोप वगैरह सुगंधित शोप वगैरह भी फूल की स्मेल्स डाल के बनाते हैं परफ्यूम्स बनाते हैं ठीक है मेडिसिन बनाते हैं अनाज हमको मिलता ही है आप देखे ही हमको ऑयल भी मिलता है मस्टर्ड मिलता है कपड़े वगैरह का भी ये सब सारी चीज़ें जो प्लांट्स हमें मिलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी गलत मत करिएगा नेक्स्ट चलते हैं अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसाइंथिस का प्रोसेस क्या है ये भी थोड़ा ध्यान रखिए काफ़ी पूछा जाता है अच्छा टॉपिक है मैंने ले लिया ये आपके सूरज दादा हैं ठीक इनसे आपको एनर्जी मिल रही है लाइट एनर्जी मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड इनको इन्वायरमेंट से मिल जा रही है ठीक है उनको हम लोग दे रहे हैं वो हमारे मित्र हम उनके मित्र वो मेरे लिए जिंदा हम उनके लिए जिंदा है ठीक है फिर यहाँ पे ग्लूकोज इन्वायरमेंट से सब कुछ हो जा रहा है पौधों में ये सारा भोजन का प्रोसेस अब बनता है पत्तियाँ बनाती है क्योंकि क्लोरोप्लास के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है अभी हमने कल ही देखा था अब यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह भी सारी चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं तो ये सारा प्रोसेस नीचे से इनको पानी वगैरह मिल जाता है ग्लूकोज मिल गया ऑक्सीजन मिल गया लाइट एनर्जी मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया पानी मिल गया ये अपने निरीक्षण कर दिए अपने अपना जिनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है फोटोसिंथेसिस की वो ये परफॉर्म कर दिए आराम से इनका काम बन गया ऐसे सारी चीज़ें होती हैं इनका भोजन बन गया अपना भोजन खाएँगे फ्लोएम चारों तरफ पहुँचाएगा जालम पालिम पिलाएगा क्यों कोई दिक्कत है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के जब चलेंगे ना तो आपको हमेशा पूरी लाइफ याद रहेगा ठीक है एग्जाम देने के पर्पस से मत पढ़ा करिए नेक्स्ट देखिए बीज की जो संरचना है उसका चित्र आपको बताना है देखते हैं क्या है ये देखिए कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है एक सीड है आपने लगाया फिर उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया ये एम्ब्रियो के स्टेज में आया ठीक है जैसे कहते ना आंखा निकल गया ठीक है फिर ये जड़ के रूप में नीचे चला गया ये आपका इसके ऊपर जो है ये जो कवरिंग थी ये सीट कोट है जिसको चोल कहते हैं ठीक है हिंदी में फिर यहाँ पे ये और बड़ा हुआ तो कॉटिलेडॉन के ये जो दल कहते हैं वो चीज़ कॉटिलेडॉन में आगे डाई कॉटिलोन मोनोकॉटिलोन दो होते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है फिर ये और बड़ा हुआ तो यहाँ से ये पेड़ उसका मतलब हुआ कि दो पत्ती के बाद तीसरी पत्ती जो निकलती है वो सेक्शन हो गया फिर आगे चल के ये क्या हुआ कि ये लीफ हुई पूरी बढ़ गई पूरा पेड़ चेंज हो गया तो ऐसे ये सीट के जर्मिनेशन का चने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए रहता है ठीक है इस ऐसा जनरेशन होता है अपने तरीके से बढ़िया बनाते हुए लिख जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं ये कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं बस फिगर देख लो हर दिमाग में है ये 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 फिर इसके बाद ये क्लियर है आप देख लीजिए मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स ठीक है ये है डायकॉटल जिसमें दो दल होते हैं दो सेक्शन बढ़ जाते हैं सीड कोट कॉटलीडान ठीक है इपिकॉर्टिल हाइपोकॉटिल फिर ये सीड कोट है जिसमें मोनोकॉट ही होता है जो सिंगल होते हैं ठीक है जिसका खंड नहीं होता है जिसमें दो दल नहीं बनते ये आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे दाल पूछ लेगा और जैसे मटर की दाल ठीक है तो दो खंड हो जाते हैं सरसों पूछता है ऐसे बहुत सारे पूछ लेगा एग्जाम्पल दे देगा आपको बता रहेगा टिकट ऑब्जेक्टिव में आएगा फिलहाल ये ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब यहाँ पे एक और टॉपिक है परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस ये देखिए बहुत आसानी से समझिएगा दो फूल ये ग्रेन ये इनकी पॉलेंस ये पॉलीनेटर जो काम करते हैं इन पे उड़ा यहाँ से उड़ते 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 इनके स्टिग्मा पे जाके गिरा है ये इनकी ओवरी है यहाँ पे इनका ओव्यूल है यहाँ पे सारा प्रोसेस आगे बढ़ा यहाँ से उड़ के यहाँ आया यही क्रिया है ग्रेन यहाँ से उड़ के इनके स्टिग्मा पे आता है तो ये क्या होता है पॉलीनेशन यही कराता है परागण की क्रिया क्लियर है आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं नेक्स्ट देखिए पॉलीनेशन दो तरीके से होता है आप जानते हैं एक पर होता है एक स्व होता है एक क्रॉस होता है एक सेल्फ होता है ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं ये क्रॉस हो रहा है यहाँ से उड़ रहा है यहाँ से इसके थ्रू और यहाँ पे जा रहा है क्लियर है ये पॉलीनीटर है मधुमक्खी लेवल ले जा रही है ये क्रॉस हुआ एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ पे जब गया तो क्रॉस हुआ ठीक है अलग अलग जगह पे है दिख रहा है एक अलग अलग है दोनों यहाँ से उड़ के एक फूल से दूसरे फूल पर गया ये क्रॉस के अंतर आएगा जो पर् पर आगढ़ होगा और ये सेल्फ वाला देखिए अब इसी का उड़ के इसी पे गया यहाँ से उड़ के यहीं पे गया यहाँ से उड़ के इसी पे आया तो ये क्या है स्वा है सेल्फ है खुद का खुद पर जाना सेल्फ है और एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना वो क्रॉस है बहुत सिंपल सी बात है परागर की क्रिया आप जान गए आप वहाँ को पता है उसको जैसे लिखेंगे वैसे इसको एक जो खुद से हो जाए खुद पर खुद हो जाए वो सेल्फ है जो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह वो पर है क्लियर कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर ये देखिए पक्षियों के थ्रू होता है आपसे पूछ लेगा ना किसके किसके थ्रू होता है तो आप बताएंगे बर्ड्स के थ्रू होता है ये बैठेंगे इनके जो ये पैर होते हैं पैर के ना ये थोड़े स्टिकी टाइप के होते हैं और बीच का जो ये सब कुछ सेक्शन है ये भी चिपक चिप और इनके पैर में जाके चिपक जाता है अब ये जाके इसी तरह दूसरे सूरजमुखी के, के फूल में बैठेंगे तो यहाँ का उठा के वहाँ रख देंगे इनको पता भी नहीं रहता है अक्सर देखिए नीम का पीपल का और तमाम पेड़ आपके जहाँ पानी वानी रहता है वहाँ पर जम जाता है दीवारों में जम जाता है कहाँ जमता है पॉलिनीशन की क्रिया है उसी के थ्रू होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए मधुम ये सॉरी बटरफ्लाई के थ्रू तितली के थ्रू भी होता है ये नेक्टर वाला काम बहुत बढ़िया करते हैं जाके यहाँ से उड़ेंगे वहाँ पे बैठेंगे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मधुमक्खी है यहाँ से उड़ेगी वहाँ पे जाके बैठेगी इसके पर में जाके चिपक जाएगा इसके पंखों में जाके चिपक जाएगा फिर उड़ के वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर वो मतलब होता है ना कि पक्षी देखे अक्सर अपना पर फैलाते हैं सफाई वफाई करते हैं ऐसे तो वैसे ये करते हैं तो वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है ठीक है क्लियर है अब ये देखिए उड़ के हवाओं के थ्रू भी होता है जैसे वो आ, आम भाषा में मदार का पेड़ कहते हैं वाइट वाइट फूल होता है भूले नार को चढ़ता है बहुत एग्जैक्ट नाम इंग्लिश में नहीं पता है फिलहाल मुझे मदार के पेड़ में एक ऐसा फल फटता है और उसको सब बोलते हैं कि बुआ बुआ बोलते हैं समथिंग देखिए आम भाषा में जो भी चीज़ें कहती जाती, जाती वही एग्जैक्ट बताती हूँ इधर उधर का नहीं बताती वो होता है तो वो क्या होता है उसका बिया जो है फट जाता है जब सूख जाता है तो उड़ने लगता है कुछ इसी तरीके से जैसे आपको ये दिख रहा है और ये जहाँ जहाँ जाके गिरता है वहाँ पर मदार का नया पेड़ जम जाता है ठीक है तो हवाओं के थ्रू भी हो गया ऐसे बहुत सारे फल फूल ऐसे होते हैं जो हवा चलती है वो गिर जाते हैं फिर वो बहते बहते पद कहाँ पानी के थ्रू किसके थ्रू चले जाते हैं वहाँ पर जाके जम जाते हैं जहाँ उनको ह्यूमिडिटी मिली वहाँ पर वो जम ऐसे रुई का पेड़ रुई भी देखिए कभी जब उसका फल फट जाता है सूख के फट जाता है फटने के बाद उसका रुई का जो बिया रहता है रूई में देखिए काला काला पीछे लगा रहता है वो जाके जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ पे रूई का पेड़ भी जम जाता है आज हमने जितना बायो का सेक्शन आपके कैम दिया था अब पत्ती का कार तने का कार अगर आप कहेंगे बताइए तो वो कोई बताने की बात नहीं वो आप आराम से लिख लेंगे और कुछ भी नहीं बचा तो आपके बायो के सेक्शन में दिया अगर कोई भी टॉपिक आपके बायो के सेक्शन से अभी भी बचा है आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा कि ये चीज़ बच गई है मैं वो भी आपको करवा दूंगी मैं चाहती हूँ कि एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर वो सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए जिसको आप हमेशा से पढ़ते आएं उसमें गलती किसी की नहीं होनी चाहिए खुद के लिए ठीक है तो आप मुझे वो चीज सेंड कर दीजिएगा बता कमेंट में तो मैं वो भी करवा दूंगी फिलहाल जितना मेरे दिमाग में था मेरे ध्यान में था मैंने सब करवा दिया अगर ये क्लास आपको आज की अच्छी लगी है आप इसी तरह चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री भी करवाऊँ फिज़िक्स भी करवाऊँ सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ बताऊँ समझाऊँ मोटे मोटे तो मैं मोटा मोटा इसलिए बता रही कि एग्जाम में आपको वो लिखित भाषा नहीं याद रहेगी वो मोटा मोटा चीज़ याद रहेगा आप वहाँ पर जब बैठेंगे तो कर ले जाएंगे अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप इस तरह करवाइए मैं आपको करवाऊँगी कोई दिक्कत की बात नहीं अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एक शेयर एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाएगा मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शाम को छः बजे फिर मिलेंगे तब तक ले टेक केयर ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग